हेलो गेट्स एंड फ्लायर्स, गौरव हियर। और चलो चलते हैं वक्त में थोड़ा सा पीछे, थोड़ा और पीछे एंड स्टॉप। यहाँ पे तो वक्त ही खत्म हो गया बे। यूनिवर्स का एक ऐसा टाइम जहां से हुई टाइम की शुरुआत, यानी फर्स्ट थिंग इन द स्पेस वॉज टाइम, और उसके 0.00000000001 सेकंड्स के बाद हुआ एक बिग बैंग। बट पॉज, रिवाइंड करो, क्या ये बैंग एक नॉर्मल एक्सप्लोजन था? नहीं, ये एक्सप्लोजन सच में हुआ है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उस बैंग से निकले कुछ पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एंटी इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और न्यूट्रिनोस से कंस्ट्रक्ट हुआ हमारा आज का यूनिवर्स। यही सोच रहे हो ना, एटम्स तो थे ही नहीं, तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से आखिर यूनिवर्स कैसे बना? वेल, इन पार्टिकल्स के 380,000 साल के कड़ी मेहनत के बाद मिले दुनिया के सबसे पहले एटम्स, हीलियम और हाइड्रोजन। पर रुको, क्या इन्होंने दुनिया बनाई? टेक्निकली यस, एटम्स का आना यानी यूनिवर्स में मैटर का आना, और जब मैटर आया तो यूनिवर्स के दरवाजे पर दस्तक दी अपने न्यूटन की बेबी ग्रेविटी ने, जिसने इन पार्टिकल्स को नजदीक लाया और पूरे यूनिवर्स में जगह जगह हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स के क्लाउड्स बना दिए। ग्रेविटी की वजह से क्लाउड्स धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते गए 150 से 200 मिलियन सालों तक, एंड बूम, इट इज आवर फर्स्ट स्टार, और वी कैन से दे आर आवर फर्स्ट स्टार्स, जिनका नाम पड़ा पॉपुलेशन 3। पॉपुलेशन 3 फट के बने पॉपुलेशन 2, और पॉपुलेशन 2 फट के बने पॉपुलेशन 1। क्या ये स्टार्स हमारे कुछ काम आए? हाँ, क्योंकि इनके एक्सप्लोजन से मिले दुनिया को बाकी के एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट से बनी दुनिया की सबसे पहली गैलेक्सी GNZ11 गैलेक्सी, जो बनी थी 400 मिलियन साल बाद आफ्टर द बिग बैंग। पर क्या उस समय सिर्फ एक ही गैलेक्सी फॉर्म हो रही थी? वेल, आई वुड से नो। GNZ11 के साथ साथ फॉर्म हो रहा था अपना मिल्की वे भी, लेकिन GNZ11 मिल्की वे से 25 टाइम्स छोटा था, और उसका मास भी हमसे सिर्फ 1% जितना ही था। बाय द वे, ये गैलेक्सी अभी भी एग्जिस्ट करती है, बट स्मॉल मींस लेस टाइम एंड लार्ज मींस मोर, इसीलिए वो हमसे पहले बनकर तैयार हो गया और ओल्डेस्ट गैलेक्सी के नाम में शुमार हो गया। और अपने मिल्की वे ने 4.6 बिलियन ईयर्स का टाइम लिया और फॉर्म किया सोलर सिस्टम, जिसका सबसे पहला प्लैनेट था जुपिटर, जिसने अपने आसपास के एस्ट्रॉइड्स को खुद के अंदर समा लिया और सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स को फॉर्म करने के लिए अपना योगदान दिया। और अब आने वाला था वो पल जब यूनिवर्स में पैर रखने वाला था वो प्लैनेट जिस पे डायनासोर्स का वास होने वाला था। ऑफ कोर्स यू गेस्ड इट राइट, 60 मिलियन ईयर्स बाद फॉर्म हुआ सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट अर्थ, जो पहले आज के बाकी के प्लैनेट्स की तरह एक पत्थर का गोला था, लेकिन 1,043,000,000 ईयर्स बाद फॉर्म हुई उस पे फर्स्ट लाइफ लूका, जो अपना लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर था, जो पूरे यूनिवर्स का पहला प्रोकैरियोटिक सेल था जिससे अर्थ के बाकी के ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए। फिर आते हैं इससे 3.45 बिलियन साल बाद, जहां ह्यूमन दो पैरों पर चलने लगे, कम्युनिटी बनाने लगे, नेचर को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप करते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ था और कैसे हुआ था, ये सब हम में से कुछ ही लोग जानते हैं, और कुछ ही इसे जानने की कोशिश भी करते हैं, जिसका कारण ऑफ कोर्स लोगों का बिजी स्केड्यूल, लैंग्वेज और ऐसे कई रीजंस हैं। पर क्या हो अगर इन सारे कारणों की वजह से जहां पे आपकी लर्निंग और ग्रोथ नहीं हो पा रही है उसका एकमात्र सोल्यूशन आपको मिल जाए तो? यस, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म कुकू एफएम ऐप की, जहां आप ऑडियो फॉर्मेट में शॉर्ट में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स जैसी ऑडियो बुक सुन के सब कुछ जान सकते हो। और सिर्फ बिग बैंग ही नहीं, ऐसे कई सारे फेमस ऑथर्स की पॉपुलर ऑडियो बुक्स है। इसके साथ ही इसमें और भी जॉनर्स अवेलेबल है, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन, हिस्ट्री, साइंस फिक्शन और भी बहुत बहुत कुछ, जो सब आप हिंदी लैंग्वेज जैसी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। अब फ्रेंड्स, नॉर्मली आप इस ऐप का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का 399 रुपीज में खरीदोगे, बट क्योंकि आप एक गेट सेट फ्लाई फैमिली के मेंबर हो और गेट सेट फ्लाई और कुकू एफएम ने मिलकर इंडिया में नॉलेज को बढ़ाने की पार्टनरशिप ली है, इसीलिए अगर आप हमारा कोड गेट सेट 50 यूज करोगे तो आपको तुरंत 50% ऑफ मिलेगा, मतलब 199 रुपीज पर ईयर में इस नॉलेज बढ़ाओ प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप, एंड दिस ट्रूली मे बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट यू विल मेक ऑन योरसेल्फ। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड नाउ, बिकॉज ओनली फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स। और ये लोग एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्पेस से ऑब्सेस्ड है, मतलब जिंदगी स्पेस से होते हुए प्लैनेट पे आई और अब हम फिर स्पेस में जाने वाले थे, लेकिन कैसे? यही सोच रहे हो ना, लोग रास्ता ढूंढने के लिए स्टार्स का सहारा ले रहे थे और डेट कीपिंग के लिए प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करते थे, मतलब स्पेस एग्जिस्ट करता है ये आइडिया पुराने समय से था, लेकिन उसे प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने के लिए हमें 40,000 से भी ज्यादा साल लगे। पर
देर आए दुरुस्त आए, और इसीलिए देर से ही सही आखिर 1947 में हमने स्पेस की तरफ अपना पहला हाथ बढ़ाया। एक्चुअली हाथ नहीं, पहला इंसेक्ट बढ़ाया। इंसेक्ट अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, कार्मन लाइन, जहां से स्पेस की शुरुआत होती है। और फरवरी 2019 में न्यू मेक्सिको से लॉन्च हुआ V2 रॉकेट, जिसने 107 किलोमीटर की उड़ान भर के इस बाउंड्री को हल्का सा टच किया। जिस रॉकेट के यात्री थे फ्रूट फ्लाइज, जो इस एक्सपेरिमेंट से स्पेस में जाने वाले पहले इंसेक्ट्स बने। फिर आया बम्पर WSC रॉकेट, जिसने 1947 में अर्थ के सरफेस से 393 किलोमीटर की लंबी डाइव मारी और स्पेस में जाने वाला सबसे पहला ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद तो जैसे सारे कंट्रीज की स्पेस में जाने की एक रेस शुरू हो गई, जिसमें पहले नंबर पर था सोवियत यूनियन। 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया के सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक 1 को लॉन्च किया, और फिर मारी एंट्री स्पुटनिक 2 ने, लेकिन इस टाइम एक ट्विस्ट के साथ, जो था एक कुत्ता, लाइका। एक्चुअली कुत्ती बोल सकते हो, सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता है। Anyway, जिसने स्पेस की सैर तो की, लेकिन उसे रिटर्न आने की टिकट नहीं मिली। क्यों? टेम्परेचर कंट्रोल फेलियर, जिससे उसकी स्पेस में ही मौत हो गई। इस फेलियर के बाद रशिया ने अपने स्पेस के गुलेल को 3 साल तक खींचा, और छोड़ा भी तो ऐसे छोड़ा कि 12 अप्रैल 1961 को सीधा एक इंसान स्पेस में भेज दिया, जिससे यूरी गैगरिन बना स्पेस में जाने वाला सबसे पहला इंसान। पर हमारी चोरियां चोरों से कम है के? और इसीलिए ठीक 2 साल बाद 16 जून 1963 में वोस्टेक 6 इस स्पेस सैटेलाइट की उड़ान से वालेंटिना टेरेश्कोवा स्पेस में जाने वाली सबसे पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी। बट उनके पास एक और एक टाइटल है, वो है यंगेस्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट का, जो उन्हें 26 साल की उम्र में ही स्पेस की यात्रा करने की वजह से मिला था। फिर आते हैं रशियन कॉस्मोनॉट एलेक्से लियोनोव, जो एज में नहीं पर एनर्जी में यंग थे, और इसीलिए तो स्पेस में जाते ही वो स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकल गए और 10 मिनट की वॉक ले ली, जिससे 18 मार्च 1965 में वो स्पेस वॉक करने वाले पहले इंसान बने। अब जब रशिया स्पेस की सारी पहली सीढ़ियों को चढ़ रहा था, तब उसी चढ़ाई में एंट्री मारी अमेरिका ने, जो कब से रशिया को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। और 7 दिसंबर 1968 को उसने लॉन्च किया सबसे पहला स्पेस टेलीस्कोप, अमेरिकन ऑर्बिटिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिससे आज तक 23,000 से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हुए हैं। लेकिन रशिया को पीछे छोड़ने के लिए अमेरिका को नए आइडियाज की जरूरत थी, और इसीलिए उन्होंने अपना तीर खाली स्पेस में नहीं तो मून पर चलाया। उसने 1969 में अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपोलो 11 इस मिशन से मून पर भेजा, जिससे नील आर्मस्ट्रांग चांद पर चलने वाले पहले इंसान बने, और अल्टीमेटली अमेरिका चांद पर झंडा गाड़ने वाला पहला देश बन गया। लेकिन वहां पर उन्होंने इतने ही झंडे नहीं गाड़े, नील के साथीदार बज एल्ड्रिन ने निशानी के तौर पर अपनी सूसू भी वहां पर छोड़ दी है, जिससे वो मून पर मूत्र विसर्जन करने वाले पहले इंसान बने। इतना ही नहीं, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड ने 1971 में मून पर गोल्फ भी खेला है। मून पर जाने के इस छोटे से स्टेप के बाद हमने स्पेस की ओर एक बड़ा स्टेप ले लिया, जो था दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन। लेकिन रुको, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये दुनिया का सबसे पहला स्पेस स्टेशन नहीं है। यस, नहीं है। पहला स्पेस स्टेशन था सैल्यूट 1, जिसे 19 अप्रैल 1971 में बैकनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। ये स्पेस स्टेशन दुनिया के लिए एक अजूबे से कम नहीं था, लेकिन 11 अक्टूबर 1971 में पृथ्वी में वापसी के वक्त टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो वहीं पर ब्लास्ट हो गया। ऐसी एक टेक्निकल फॉल्ट हुई थी 6 जून 1971 में भी सोयूज 11 सैटेलाइट के लॉन्च में, लेकिन इस बार इस छोटी सी फॉल्ट का नतीजा बहुत गंभीर था। सोयूज 11 के एस्ट्रोनॉट विक्टर पैट्सायेव स्पेस में अपना बर्थडे मनाने वाले पहले इंसान थे, जिनकी पार्टी में उनके पार्टनर एस्ट्रोनॉट्स जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की और व्लादिस्लाव वोल्कोव मौजूद थे। लेकिन अर्थ पर रीलैंडिंग के समय ब्रीदिंग वॉल्व में खराबी आ गई, और ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से 110 सेकेंड्स में 30 जून 1971 को तीनों कॉस्मोनॉट्स की मौत हो गई। ये स्पेस में डेथ का सबसे पहला इंसिडेंट था। इस डार्क एक्सपीरियंस के बाद नासा के साइंटिस्ट ने स्पेस से आती हुई लाइट्स पर फोकस किया, और उस लाइट की मदद से खोज निकाला सबसे पहला ब्लैक होल, Cygnus X-1। ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में ही दे दिया था, लेकिन उसे एक्चुअली खोज करने के लिए हमें 55 इयर्स लग गए। आखिर 1971 में हमसे 6,197 लाइट ईयर्स दूर इस ब्लैक होल की खोज हो गई। लेकिन इस खोज के बाद नासा के साइंटिस्ट को और स्पेस एक्सप्लोर करने की भूख लगी, इसीलिए उन्होंने 14 मई 1973 पर लॉन्च किया अपना पहला स्पेस स्टेशन Skylab। बट वेट, ये स्पेस स्टेशन कोई साधारण स्पेस स्टेशन नहीं था, उसमें खास बात थी।
स्पेस स्टेशन के साथ साथ स्पेस में लॉन्च होने वाली ये दुनिया की पहली रिसर्च लेबोरेटरी भी थी। और तो और अपने 90,718 किलोग्राम वेट के साथ ये स्पेस में जाने वाली आज तक की सबसे हैवी ऑब्जेक्ट भी है। इस लेबोरेटरी में अब तक 270 से भी ज्यादा बायोमेडिकल, लाइफ साइंसेस, अर्थ ऑब्जर्वेशन, सोलर एस्ट्रोनॉमी और मटीरियल प्रोसेसिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। इन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट सोवियत सैल्यूट 7 के क्रू मेंबर्स ने 1981 में किया था। अपने माइक्रो ग्रीन हाउस अपैरेटस को यूज करके क्रू ने स्पेस के पहले फ्लावरिंग और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट एराबिडोप्सिस को ग्रो किया। एक्सपेरिमेंट के लिए तो काफी लोग जाके आए, पर 2001 में आए अमेरिकन मिलियनेयर डेनिस टीटो, जो एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बल्कि स्पेस घूमने के लिए आए थे। खुद तो उड़ गए, पर उस ड्रीम के पीछे उन्होंने $20 मिलियन उड़ा दिए। अब इतने पैसे उड़ाने के बाद कुछ तो फायदा हुआ, 8 दिन ISS की सैर और दुनिया का सबसे पहला स्पेस टूरिस्ट का टैग। पर टूरिज्म यानी कि ट्रैवल एंड ट्रैवल यानी कि व्हीकल, और इसमें बेस्ट ऑप्शन है रेलवे। बट स्पेस में रेलवे? वेल, टू गिव यू रिलीफ, यस, देयर इज अ रेलवे इन स्पेस। मोबाइल बेस्ड सिस्टम एक ऐसी मोबाइल ट्रांसपोर्ट रेल कार टेक्नोलॉजी है जो पूरे स्पेस स्टेशन की सैर कराती है, जिसे 2002 में कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। और अब जब स्पेस ऑलमोस्ट एक टूरिस्ट प्लेस ही बन गया है, तो वहां रहने का भी कोई सलूशन निकालना होगा, है ना? वेल, उसकी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन ने 2027 तक दुनिया के सबसे पहले स्पेस होटल वॉयजर स्टेशन को लॉन्च करने का जिम्मा ले लिया है। एंड दिस मेक्स थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग। इमेजिन करो, आगे चल के हम जैसे विजिटर्स भी स्पेस घूमने जा सकते हैं। बट देन सवाल तो यही होगा कि वो पहला स्पेस होटल विजिटर गेस्ट आखिर कौन होगा? आपको क्या लगता है भाई लोग, कौन होगा? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो, बिकॉज ऑब्वियसली ये इतनी महंगी रहेगी कि उसके जेब में एक बड़ा सा खड्डा हो जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको न्यू चीजें सीखने मिली तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको हमेशा देखते रहने मिलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। फर्स्ट 250 लोगों के लिए गेट सेट 50 कोड यूज करने पर उन्हें 199 रुपीस पर इस वेबसाइट की मेंबरशिप मिलेगी। गेट सेट 50 कोड यूज करने पर 199 रुपीस में सालाना की मेंबरशिप मिलेगी इस ऐप की। सो गो हरी नाउ। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।